तो कैसे हो मेरे जिगर के छल्लू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैरी मिनाटी के नए सॉन्ग वरदान के बारे में और कुछ भोसड़ी वालों के बारे में। तो अगर तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी वीडियो पे चलते हैं। तो गाना के रिलीज होने के बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वरदान और मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर ही रिएक्शन मिल गया उसका। मतलब इनका सही है बेंचो, गाना समझे या ना समझे रिएक्शन तो देना पड़ेगा। और इन भोसड़ी वालों को शर्म तो दूर दूर तक नहीं आती। तुम इस बंदे को देख लो, पड़े पड़े लगा उस पे संग और कंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद। ओहो हो, इस बंदे का मुंह तो देख रजाई से बाहर निकाल निकाल कर रिएक्शन दे रहा है अपने। पता है इस पूरे 90% वीडियो में ये सिर्फ अपना मुंडे ही हिलाते रह गया। पड़े पड़े लगा उस पे संग और कंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। क्या बात है, और रिएक्शन चैलेंज बोलते हैं इनको, मेहनत करना पड़ता है। देखो बहन चोद, रिएक्शन दिया जा रहा है, ठंड से लंड सूख गया और रिएक्शन दे रहे हैं भाई साहब। इन्हें ना एक बार को वोल्केनो में भेज दो या फिर पेंगुइन की गांड में, इनका रिएक्शन किसी भी जगह किसी भी हाल में किसी भी तरह आना ही है, और वो भी जिस पे वो रिएक्शन करेगा उसके 10 मिनट बाद। हाय हाय बहनचोद, अब तक ये बीट पे मुंडी हिला रहा था, अब बिना बीट के ही मुंडी हिला रहा है। वाह क्या बकचोदी है, सही है। अरे बहनचोद सही कुछ नहीं है, अगर सही होता तो तुम लोग जन्म ही नहीं लेते। अरे सुरेश, अगर तेरे गांड में कोई एक 10 इंच का डिल्डो घुसा के छोड़ के चला जाए 2-3 दिनों के लिए तो कैसी आवाज आएगा। अच्छा वो सब छोड़, वो डिल्डो अगर तेरे गांड से बाहर नहीं आया तो। अब यार वो सब छोड़, एक डॉक्टर ले आए हम और उसने गलती से तेरे डिल्डो को निकालने की जगह थोड़ा सा और घुसा दिया तो तू क्या कहेगा। लेकिन उसने अपनी गलती सही करने के लिए तेरा ऑपरेशन फ्री में करवा दिया। क्या बात है। अच्छा जब तू बहुत दिनों बाद हगने जाता है तो कैसी आवाज़ आती है बाथरूम से। बूम। अच्छा जब तूने पहली बार घपाघप किया तो कैसी आवाज़ निकाल रहा था। अच्छा दिवाली में कैसी आवाज़ आती है भाई, पता है धमाका। जब कह दो ट्विटर पे बैठ के एग्जाम के बारे में सोचता रहेगा, कुछ बनाएगा भी। चल छोड़। I know this is something about the future. So is that Karamina T when you was little? No, it was my little dick when it was little. मैं दूंगा। She's working in the Hindu though. No, she's talking about my ass. साला कुछ भी भाई, इन्हें कुछ समझ आ तो नहीं रहा, ना है इंग्लिश सबटाइटल, कुछ भी नहीं है इनके समझने का, लेकिन से तब से घूरे जा रहा है। इसे तुम रिएक्शन कहते हो, कुछ समझ तो पा नहीं रहे, और फ्यूचर गाना का तो लाइन समझ लिया और इसे तुम पूरा रिएक्शन समझने लगे। वाह बहनचोद वाह, ऐसे भरवे तो ऐसे ही आजकल जन्म ले रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कल से मेरे बिल्ली को भी दे दूँ माइक पकड़ा के रिएक्शन देने के लिए, थोड़ा पैसे भी कमा लेगा अपने बिल्ली के खाने के लिए। अच्छा ये गए रिएक्शन चैनल्स, अब आते हैं क्लिक बेट भोंसड़ी वाले। तो इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मैं तुम्हें 2 वीडियोस के थंबनेल दिखाना चाहता हूं और तुम उसे देख के बताओ तुम्हें क्या लग रहा है इस वीडियो के बारे में। टाइम अप। तो तुम लोगों ने इसके थंबनेल को देख के सोच लिया होगा ये लोग कैरी मिनाटी के गाने को रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अगर तुम समझ रहे हो ये लोग कैरी मिनाटी के गाने को रोस्ट कर रहे हैं तो शाबाश शाबाश, यू हैव गॉट क्लिकबेटेड। तो मैं सोच रहा था इन लोगों ने थंबनेल पे इतना ज़्यादा गाली लिखा है, वर्स सॉन्ग श्राप इतना कुछ लिखा है, वीडियो तो एकदम खतरनाक होगा, एकदम डिसलाइक से भर जाएगा। लेकिन जब मैंने वीडियो को ओपन किया तब मेरी कान फटने की ऐसी आवाज़ आई वो पूरे शहर में गूंज गई। हाँ तो हेलो, वेलकम टू स्टार्ट सुजी। तो भाई आज हम करेंगे बात कैरी मिनाटी के वरदान सॉन्ग के बारे में और रखूंगा इस पर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। यहाँ तक सब ठीक था, अब शुरू होता है बकचोदी, और साथ ही जो इस गाने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको करेंगे रोस्ट, वो भी कैरी स्टाइल में। अपनी ऑनेस्टी तो तुमने अपनी थंबनेल में ही दिखा दी और अपने वीडियो के टाइटल में, और एक मिनट क्रिटिसाइज तो तुम खुद करने वाले थे 2 मिनट पहले, अब क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जलने वाले इस गाने को क्रिटिसाइज करेंगे ही तो हम इन्हीं लोगों की गांड मारेंगे। अच्छा मतलब बंदा अपना लंड अपने ही गांड में लेना चाहता है और कुछ नहीं। तो चलो इन हेटर्स की गांड छील के आलू बनाते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। कौन किसका गांड छील रहा है वो तो साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसा एक दूसरा बंदा भी है, रोस्टिंग वरदान कैरी मिनाटी एक्स विली फ्रेंजी श्राप। बहनचोद बुरा तो तब लगता है जब 18K वाले सब्सक्राइबर वाले बंदे क्लिक बेट करते हैं और हम बहनचोद हम लोगों को व्यूज़ नहीं आते, ये क्लिक बेट करके फिर भी व्यूज़ आ जाते हैं इनके, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें व्यूज़ नहीं आता।
को पता है अभी एक घंटे पहले कैरी का नया गाना आया और उस गाने के नीचे कम से कम एक दो दर्जन रिएक्शन वीडियो भी आ गई उस गाने की। ये रिएक्शन चैनल वाले कैरी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना, अगर वो मूते हुए वीडियो डालेगा ना तो ये लोग रिएक्शन दे देंगे उस पे कि वाह क्या मूता है कैरी ने। ये भी घूम फिर के रिएक्शन चैनल पे भी आ गया। वाह बहनचोद तुम लोग कैसे व्यूज के लिए ये कर सकते हो, तुम जब खुद क्लिक बेट करते हो। ये लोग ना मेरी गांड में आग लगा देते हैं ये बहन के लोड़े। खुद तो क्लिक बेट करेंगे और दूसरों को बोलेंगे इन पे व्यूज़ क्यों नहीं आते। आज की वीडियो इतनी ही थी। तुम अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, लाइक करना चाहो तो कर लो, अगर शेयर करना चाहो तो कर लो, कुछ बकचोदी कमेंट करना है तो कर लो। सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरा पेट चल जाएगा। वीडियो को यही एंड करता हूँ। अपना अपना गांड पढ़ाओ। पड़ गई लात तो क्या है, बनेगा नया महल तेरी।